गाँव में पिछले साल सरकार की तरफ से साक्षरता अभियान के दौरान पढ़ाई लिखाई के 5-6 सेंटर चलाए गए। काफी संख्या में आदमी और औरतों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी जिंदगी में पढ़ाई के महत्व को समझा। कुछ औरतों और लड़कियों के लिए सलमा के घर पर वीना भी एक क्लास चलाती थी। यूं तो ये लोग काफी कुछ सीख गए थे, पर वो बहुत न था। इन लोगों में पढ़ने लिखने का अभ्यास बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर ये पढ़ने का अभ्यास नहीं करेंगे तो जो भी कुछ सीखा है उसे भूल सकते हैं। वीना ये पोस्ट लिटरेसी सेंटर चला रही है, जिससे कि इस गांव के लोग अपनी सुविधा अनुसार एक निश्चित समय पर यहां पहुंच सकें। ये लोग सेंटर में आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और गाना गाते हैं। वीना इन नव साक्षरों की पढ़ने में खूब मदद करती है। इस सेंटर में कुछ किताबें और अखबार जो खास तौर पर इन नव साक्षरों के लिए छापे जाते हैं यहाँ रखे जाते हैं। कुछ पत्रिकाएं और खेल का सामान भी है। वीना, देख तो हम सही पढ़ रहे हैं ना? कुछ शब्द हैं जिनका मतलब समझ में नहीं आता। ना बाबा, मुझे तो अभी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। अरे अब तो तुम दोनों खूब आराम से पढ़ लेती हो, और फिर मैं हूँ तो सही, जो समझ में ना आए या जो मुश्किल लगे वो मुझसे पूछ लो। अच्छा बा, घा पे छोटाओ की मात्रा घू, आ बघुआ, बा ला, ला को बालको, की आ जा दी आजादी। भाई मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैं तो घर और बच्चों के झंझट में सब भूल जाती हूँ। अरे इसके बस का नहीं है, इसको तो यहाँ आने का टाइम भी कभी कभी मिलता है। अरे जब तेरे बाल बच्चे होंगे ना तब देखेंगे कि तुझे कितना टाइम मिलता है। रज्जो देखो ऐसे नहीं कहते। अरे विमला जी सही तो कहती हैं, घर के काम और छोटे बच्चों की वजह से ध्यान नहीं दे पाती। चलो हम फिर से कोशिश करते हैं। ये बघुआ बालकों की आजादी, बघुआ नहीं, घर में तो पूरी छत होती है, अध में छत के बीच में जगह रहती है। इस नव साक्षरों के ग्रुप में सलमा, रज्जो और पारो अब साफ साफ पढ़ने लगी हैं। रज्जो को कुछ शब्दों का अर्थ मालूम करने में दिक्कत होती है और विमला अभी भी एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ने की कोशिश करती है। संतोताई और कमला जीजी पढ़ने में हिचकिचाती हैं और पढ़ने की कोशिश ही नहीं करती हैं। इस ग्रुप में नव साक्षरों के पढ़ने के स्तर में काफी फर्क है। वीना को चाहिए कि वो विमला, संतोताई और कमला जीजी की पढ़ने में रुचि बनाए और उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे। संतोताई अब तुम अपने आप पढ़ो, अभी अखबार वगैरह तो तुम खुद ही पढ़ सकती हो। अरे हमारे भाग में तो सिवाय चूल्हे चक्की के और है ही क्या। अरे ताई इसमें भाग्य की क्या बात है, पिछले साल तो तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर था और इस साल तो काफी कुछ सीख गई हो, थोड़ा सा ध्यान दोगी तो तुम्हें सब समझ में आएगा। कमला दीदी चलो अब तुम पढ़ो। मजदूरी, मजदूरी और कीमतें, कीमतें सन कानूनी मजदूरी। बहन जी ये कानूनी मजदूरी क्या होती है? कानूनी मजदूरी उसे कहते हैं जो सरकार की तरफ से एक दिन के लिए निर्धारित की गई है। जैसे दिल्ली में 1992 में ये 31 रुपए रोजाना की मानी गई है। 31 रुपए? 31 रुपए कहाँ मिले हैं ये मजदूरी? हमको तो लाला रोज के 20 रुपए देता है और मर्द लोगों को रोज के 25 रुपए। सरकार की तरफ से आदमी और औरतों की मजदूरी बराबर की तय की गई है क्योंकि दोनों बराबर का काम करते हैं। हमें 31 रुपए मजदूरी मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती, अगर तुम सब लोग मिलकर आवाज उठाओगे तो तुम्हें भी मिल सकते 31 रुपए। लो ताई अब तुम पढ़ो। ना भाई ये मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अरे पढ़ो ना, ऐसे ही तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनेगी। रो
रोटी बनाए बनाए जाट। भैया तो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ सकती इसको। ताई पढ़ो ना, इतना अच्छा तो पढ़ रही हो। चलो भाई अब हम इस कहानी को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है? पहला नंबर पारो तुम पढ़ोगी। हाँ। और दूसरे नंबर पे रजत तुम, और तीसरे नंबर पे कमला दीदी तुम, और चौथे पे विमला दीदी तुम पढ़ोगी, और पांचवे पे सनमा भाभी आप पढ़ोगी, ठीक है? सबको अपना अपना नंबर याद हो गया? हाँ, याद है। अच्छा, और जब मैं ताली बजाऊंगी तो उससे दूसरे नंबर वाला पड़ेगा। हाँ। एक जाट था, खेती करता, हल चलाता, पेड़ के नीचे बैठ आराम करता। जाटनी जब रोटी लेकर आती तो उसे खूब डांटता, इतनी देर कैसे लगाई, खेत की खुदाई कौन करेगा, घर का ही तो काम करके आती है। जाटनी बोली, घर के काम के बारे में तुम क्या जानो? जाट बोला, रहने दे ये बातें, घर का काम आज मैं करता हूँ। जाटनी हंसी दबाती हुई खेती के काम में जुट गई। घर में जाट ने आटा पीसा, मथनी से दही भिलोया, झटा झट खटा खट दाल रोटी बनाई, बच्चों को नहलाया, फटाफट खाना खिलाया। यह सब करते करते दोपहर हो गई। जाट घबराया, झटपट नहाकर रोटी लेकर खेत की तरफ भागा, हाँपता दौड़ता खेत पर जा पहुंचा। कमला दीदी क्या सोच रही हो, तुम्हारी बारी है पढ़ने की। अरे जरा सा ध्यान बट गया, कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। जाटनी जाटनी हैरान हैरान बोली, अरे 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 ये है, यह क्या, क्या किया? जाट ने कहा, दाल तो ठीक है पर नीचे 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 तो देखो, जाट ने पैरों पर नजर डाली, देखा उसकी धोती ही गायब थी। पारो देखो, विमला दीदी को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है और वो अपनी तरफ से कोशिश भी पूरी करती हैं। अगर तुम उन्हें इस तरह बीच बीच में बताओगी तो वो सीख नहीं पाएंगी। मैं तो धोती पहनना ही भूल गया। जाटनी मुंह में साड़ी दबाकर बोली, घर के काम कितने हैं, कुछ आई समझ में? भैया कहानी तो बड़ी मजे की थी। सच, ये आदमी लोग तो ये समझते हैं कि वो बाहर और खेतों में काम करते हैं और हम औरतें घर में बैठी आराम करते हैं। अरे भाई जब जाट को घर का सारा काम करना पड़ा तब उसे पता चला कि हम औरतें भी घर में कितना काम करती हैं। बिल्कुल ठीक। चलो भाई अब पढ़ाई तो बहुत हो गई, अब थोड़ा सा खेल हो जाए। देना जाए। कमला जी देखो, जैसे ये बना आम 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 आम। अब आप कोई दूसरा शब्द बनाओ। असे 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 तो कुछ भी नहीं बना। अमरूब
अमरूद भी कुछ नहीं बना, देखो क्या कुछ बन जाए तो इसमें। अमरूब, देखो अमरूद। अब तुम बनाओ। केला, केला। अब तुम बनाओ। से ये क्या बना? कुछ नहीं हुआ। सेदा, सेदा। ये कौन सा फल होता है? सेब, सेब, सेब। भाभी अब तुम बनाओ। पा पी पपी ता, पपीता। क्या बनाई है? पपीता, पपीता। ताई अब तुम बनाओ। मैं बनाती हूँ, देखो तो। नाश, नाश, नाश। क्या बना? थेरो बनाती हूँ ये इधर से। बे र, बे। बहन जी इस खेल में तो बड़ा मजा आया है। अरे हम तो यूं ही डरते थे पढ़ने से, एक हुआ समझते थे, अब तो पढ़ने में मजा आने लगा है। और नहीं तो क्या? ये वीना के सेंटर में तो सभी औरतें खूब घुल मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़ने का अभ्यास करती हैं। वीना पढ़ाई के अभ्यास के दौरान देखती है कि सलमा, रज्जो और पारो अब काफी अच्छे से पढ़ सकती है। संतोताई और कमला जीजी, इन्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। विमला, जिसके छोटे बच्चे हैं, वो अक्सर सेंटर में नहीं आ पाती। उसे अभी भी कुछ शब्द पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। यूँ तो वीना उम्र में काफ़ी छोटी है, पर वो है बहुत होशियार। उसकी कोशिश रहती है कि अच्छा पढ़ने वाले लोग कमज़ोर लोगों पर हावी ना हों, पूरे ग्रुप की भागीदारी बनी रहे, और वो सबको बारी बारी पढ़ने को कहती है। वीना बताती है कि पढ़ने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी कुछ इन्होंने सीखा है उसे भूल सकते हैं। वीना पढ़ने के अभ्यास को रोचक बनाने के लिए कहानी पढ़वाती है और प्रश्न पूछती है। वो पहेलियाँ और शब्द बनाने का खेल भी खिलवाती है। वीना की पूरी कोशिश रहती है कि सभी औरतों की रुचि पढ़ाई में बनी रहे।